विद्या दायिनी की जय। मतलब इतना ऊपर कौन फोन उठा के शूट करता है, ये देखो। चलिए माता रानी पर डाल दीजिए, माता रानी के पैर पे। जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी। ये देखो ये लड़की वॉशरूम से आई है, पूरा गीला गीला पानी लेके पूरे कमरे में गी। लड़की मेरा सॉक्स गीला करा दी, धत तेरी की भला हो। सर्दी में मेरे से पानी का काम मत कराया करो यार। पानी पानी करा दी। बिछौना पे एकदम ऐसे घोड़ा जैसा गर्म पानी पी रही है। जाके जल्दी से पहले बाल पूरा सुखाओ, ड्रायर लगा लो, ड्रायर लगा लो, ड्रायर लगा लो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बाय, गुड नाइट। उठो उठो जैट, जाए गोदी में सोएगा, सोएगा नहीं। उठो उठ जाओ, अब उठो ना, उठो। मगरमच्छ आया है देखो, इसके मगरमच्छ घुस गया था इसके में, ना अपने रखा है देह पर जाई रात भर, ना हमको रखने दिया है, ठंडा में ठिठुरा दिया क्या, तो इसमें मगरमच्छ है। मगरमच्छ घुस गया था तो भागा था नाना के रजाई में। मगरमच्छ है। उठो सर, उठो बेटा, उठो, लेट हो जाएगा, उठो। माई को थैंक यू बोल देना। नहीं हुआ भी हो गया। माई कहाँ गए? पूजा देखने जाना है वहाँ पे, गुमटी के पास हुआ होगा। हाँ जा, जा नानू के साथ घूमने जा। दूसरा कपड़ा नहीं पहने, ठीक उपाय किया, ठीक उपाय किया, दूसरा कपड़ा नहीं पहने, बहुत उपाय किया बाबा आपके लायक, ठीक है, ठीक है आपके लायक। दूसरा कपड़ा नहीं पहना बेटा, ठीक है, एकदम ठीक किया, एकदम चीयर्स। नहीं वैसे मत खराब करो बेटा, बो है बो है। सुनो अब जाके माई को थैंक यू बोल देना, क्या बोलोगे माई को? थैंक यू माँ, माई ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। माई कहाँ गई? माई पूजा कर रही है। जा नानू के साथ रेडी, नानू पे यही पे वहाँ बेड पे यही कॉर्नर में देखो ना, वहाँ पे गदर मचाया हुआ है, सामान भर के खेल रहा था, वही पे होगा क्या। यहाँ है माँ, यहाँ है, यहाँ है। ऑरेंज कलर का टोपी थे है, हाँ। चले तो माता रानी को, माता रानी पे डाल दीजिए, तो चलिए माता रानी पे डाल दीजिए, माता रानी के पैर पे। जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी। वो सब पूजा हो रहा है। माता रानी को पैर छू के नमस्ते कीजिए, पैर छू के नमस्ते कीजिए, पैर छूए नमस्ते कीजिए, बोलिए माता माता विद। वो सब वो मम्मा बताती क्या, पहले बोलिए माता, हाँ डक है, पहले बोली माता, माता विद्या दीजिएगा, विद्या दीजिएगा, माता बोलिए, माता बुद्धि बुद्धि दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से नमस्ते, कान पकड़ के, कान पकड़ के कैसे नमस्ते करते हैं, कान पकड़ के नमस्ते कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से नमस्ते कीजिए, अच्छे से अच्छे से, सिर पटक के, सिर पटक के बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। यहां से लेके इधर, मम्मा की तरफ, मम्मा की तरफ बेटा, आप भी लीजिएगा, मिल गया, हाँ ले लीजिए। चलिए खुद से टीका कर रहे हैं, सब जगह टीका कर, मम्मा सुंदर से टीका कर देगी, इधर देखिए ना, मम्मा सुंदर से कर देगी बेटा, मम्मा की तरफ देखिए, देखिए मम्मा की तरफ देखिए तो सही, हाँ ब्यूटीफुल सा टीका हो गया। चलिए चलिए अब हम लोग नानू के साथ घूमने जाए। वो सब बलून बाद में ले लीजिएगा, बलून ना सब रखा है, सब बलून आप ही का है, सब बलून लेते रहिएगा बाद में। मैंने दिया है पापा को, पहले शूज ला के रखा है, शूज पहनिए तब जाएंगे। गुड गोइंग साथ, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, शूज पहन जाओ, गुड गोइंग बेटा, जो का मम्मा माँ कोई नहीं कर सका, गुड गोइंग। नानू कहाँ गया, नानू कहाँ गए,
उसमें से सॉक्स निकाल रहे बेटा, सॉक्स ले रहे हैं नानू अपना। साथ नानू शूज पहन लिए। ये बैंगल्स है, बैंगल है। जाओ जाओ उधर जाओ आओ। बाय साथ। हाँ बाय। कितना बादल है, अभी गया पापा के साथ घूमने के लिए, सीट बूट झाड़ के अपना यहाँ पे मंदिर में, यहाँ घर के पास में ना पंडाल बनाया सरस्वती माता का, वहीं पर गया दर्शन करने के लिए। हाय जा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है 5th of February और साथ ही साथ में आज है वसंत पंचमी। तो आप सभी को वसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरस्वती माँ हम सबको खूब सारा विद्या दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और हम लोग अपने जीवन में खूब सारा मेहनत करें, खूब सफल इंसान बने, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। विद्या बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए, और बुद्धि भी बहुत ज़रूरी है, सद्बुद्धि स्पेशली बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतने देर के बीच में धूप निकली है, अभी सुबह से मौसम ऐसा ही हुआ, सुबह में खूब बारिश हुई है, खूब ज़्यादा भी देखिए क्लाउड है, और अभी अचानक से धूप निकल गई तेज वाली। चलिए मैं लेकर आई हूँ थोड़े बहुत कपड़े साटने, कल रात में कुछ गीले किए पैंट वगैरह, वो सब मैं लेकर आई हूँ, फटाफट से वो डाल देती हूँ और उसके बाद नीचे चलती हूँ। पूजा हो गया, मेरा साथ चला गया पापा के साथ घूमने के लिए, मम्मी नीचे लंच निकाल रही हैं हम लोगों का, तो जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही ऊपर से जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला, हालांकि ठंडी है, ये इस धूप में कुछ दम नहीं है, बस रोशनी भर है। तो चलती हूँ नीचे फटाफट से, साथ के सारे पैंट्स वगैरह डाल दूँ ताकि वो सूख जाएंगे, क्योंकि पैंट तो मैंने उसका पता है लगभग 15 से 20 पैंट मैंने रखा है उसका वुलन, उसके बाद भी हर दूसरे दिन उसको पैंट कम पड़ा रहता है, हर दूसरे दिन इतना गंदा करता है, कभी जाके कुछ गिरा देगा, कुछ गंदा करेगा। 5-6 में पहले पता है फर्स्ट वीक में सर्दी के बिल्कुल शुरुआत में मैंने 5-6 ही पैंट उसका रखा था, मुझे लगा कि अरे सर्दी में क्या इतना गीला करेगा, तो सुपोटी तो अब वो खुद से जाके कर लेता है, मतलब हम करा लेते हैं तो क्या गीला करेगा। मम्मी ने कहा नहीं बेटा 10 तो मिनिमम चाहिए, और जैसे हमने 10 मंगाया तो 2-3 दिन के बाद मम्मी बोलती नहीं बेटा 4-5 और चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर किसी एक दिन भी धूप में निकली या फिर हमने नेक्स्ट डे ही कपड़ा नहीं वॉश किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अब मुझे लगता है वो कितना सही कह रही थी, क्योंकि अगर एक दिन बीच में गैप हो जाता है तो अगले दिन लगता है पैंट खत्म हो गया उसका, सारा पैंट ज़्यादा गंदा करता है, और स्वेटर भी स्पेशली होता है। मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, आसपास हमारे पड़ोसी लोग हैं ना, वो एकदम झाग झाग के देख रहे होते हैं कि पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ। ये बेटा फिर से फाड़ लिया आपने, बाल ठीक करो। क्यों तुम बाल को अपने ऐसे कर लेते हो बेटा, झटका मार मार के झटका किया बाल से, बाल से क्या टूट गया, क्या बोल रहा है माँ, क्या बोले, खामोश क्या बोल रहे, क्या क्या बोला आपने, क्या दिया बाल से, झटका दिया, बिस्किट का टुकड़ा गिर गया बेटा आपका,
तो रगड़ा क्यों करने जा रहे हो माँ से? तुम भी रगड़ा करो मम्मी इससे, करो। माई को उठा, माई को उठा, माई सो गई है, उठा माई को, उठा माई। पानी डालेगी तब थोड़ा सा, डालती हाँ दो को बन जाएगा, हाँ लेकिन पानी डालना पहले। ये देखो ये मेरा लुक था, येलो कुर्ती और वाला पजामा, 2 साल पुराना, छोटी दिखा 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 दिखा। अभी एकदम वो एक सीरियल था, सुई धागा पता नहीं कौन सा, जिसमें अनुष्का शर्मा बैठी थी यही से। सुई धागा कोई तो सीरियल था अजीब सा, हाँ शायद सुई धागा ही था, पता नहीं। खड़े हो पहले, खड़े 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 हो यार, खड़े हो यार। ये इसका लुक देखो, अब मेरा हाथ भी नहीं जा रहा यार, ये मेरे हाथ भी नहीं जा रहा यार, बताओ इतना ऊपर कौन फोन उठा के शूट करता है। ये देखो बैठ गया, नीचे शूट देख लो, ये येलो साड़ी मम्मी का मार ली है, बट बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ बहुत प्यारी लग रही थी, मम्मी के मारे हुए कपड़े में बहुत सुंदर लगती है। मैं देखो मैं मेरा मेरे से ज्यादा बिंदास कोई नहीं लग रहा होगा भाई, जिसके ऊपर कोई फेस्टिवल का रंग नहीं चढ़ता, फेस्टिवल में शर्मा जाए। मम्मी मम्मी भी मेरी आज मार लग रही थी, पापा ना सुन ले बस। ये मेरी मम्मी है, देखो मम्मी 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 मुंह दिखा, बाप रे बाप, मम्मी तो आज मार डालेगी। आज प्यारा सा साड़ी पहनी हुई थी मेरी, माल लग रही थी दिन में, अभी तो काम करते करते थक गई है। अभी बना रही है हमारे लिए पुआ, यहाँ बनेगा पुआ और खा के हम हो जाएंगे। और इधर बना रही है झिल्ली, सेवई, पुआ और सेवई, और सब्जी तो हमारे पास पहले से है आलू मटर का, तो इसीलिए बेचारी थकी हारी सी, सोचे ये सब तो निकम्मे है, ये लोग तो कुछ बनाएंगे नहीं, फिर रात में रोटी बना के धर देंगे, आज से रोटी नहीं खाने का कोई, तो इसलिए मेरी मम्मी प्यार से पुआ बनाने आई है। मम्मी अपना दुख नहीं बताओगी, मम्मी अपना दुख नहीं बताओ, देख लो ऐ छोटी, मम्मी का प्राण अटका वो पड़ा, बताओ जरा कुछ खाओगी नहीं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, फिर बाल खराब कर लिया, पीछे करो बाल, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बाहर नहीं जाना है बेटा, बाहर बहुत ठंडी है, घर में रहो, क्या कर रहे हो, डिनर हमारा आज का, पुआ आटे का पुआ है, मैदा नहीं है, और कचौरी, झिल्ली और आलू मटर की सब्जी, ये दिन वाली सब्जी ही है। मम्मी ने अभी बनाया है पुआ और झिल्ली, बहुत टेस्टी सा, झिल्ली मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, आप लोग भी खा लीजिए प्लीज़ झिल्ली, अगर आपने एक बार चख ली ना, बहुत कम ही लोग झिल्ली खाते होंगे, बहुत कम लोग झिल्ली जानते होंगे, कभी मैं इसकी डिटेल रेसिपी आपको बताऊंगी। आप लोग भी चखे, मीठा खाना तो बनता है वसंत पंचमी के दिन, और ये दर्शन कर लीजिए माँ सरस्वती के, कल अभी रहेंगी ये, परसों इनका विसर्जन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खूब खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।